हेलो एवरीवन आई एम गौरव एंड यूर वॉचिंग मूवी रिव्यूज ब्लॉग सो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बच्चन पांडे का जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे फराज शाम ने डायरेक्ट किया फिल्म स्टार्स अक्षय कुमार प्रीति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अर्षद वारसी पंकज त्रिपाठी एमंग मैनी अदर्स सो so, रिव्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फॉर मोर रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन वीडियोज सो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी कोरियन फिल्म डर्टी कार्निवल से जिसको आगे अडेप्ट किया गया जिगर ठंडा में उससे आगे गढ़ाला कोंडा गणेश एंड अब बच्चन पांडे में इट्स इनाविटेबल टू नॉट कम्पेयर टू फिल्म वेन यॉच बोथ ऑफ देम बट आई विल रिव्यू बच्चन पांडे ऑन हाउ इट इज मेड अलॉन्ग विद सम समेरजन्स हेयर एंड देयर विद जिगर ठंडा फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते है। ने हैं कृति सेना एक एडी का रोल प्ले करती हैं जिससे फिल्म का डायरेक्टर जेलस हो जाता है तो उसे उनकी फिल्म से ही निकाल दिया जाता है तो थोड़े वक्त बाद एक स्टोरी लेके जाती है प्रोड्यूसर के पास कि वो एक बायोपिक बनाना चाहती है तो प्रोड्यूसर कहता है कि ये वाली बायोपिक चाहिए नहीं अगर कुछ बनाना है तो गैंगस्टर के ऊपर एक बायोपिक बनाओ तो वो रिसर्च करना स्टार्ट करती है और उसे बच्चन पांडे के बारे में पता लगता है हाँ बच्चन पांडे एक नोटोरियस गैंगस्टर है जिसका इंट्रो इस तरीके से होता है कि वो एक रिपोर्टर को जला देता है जिसने उसका एक कार्टून बनाया होता है कृति बच्चन पांडे पर रिसर्च करने निकलती है एंड दैट मेक्स आउट फॉर दी रेस्ट ऑफ द फिल्म फिल्म का ट्रेलर देख के ये लगा था कि एक कंप्लीट एंटरटेनर मिल सकती है लेकिन फिल्म इज अनेबल टू डू दैट फॉर मी सो अब बात करते हैं फिल्म में किस चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया एंड किस चीज़ ने नहीं किया इट इज़ अ फास्ट पेस्ट फिल्म नो डाउट फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग है ह्यूमर है एक्शन है बच्चन पांडे का जो करेक्टर है वो उसक्रीन को डोमिनेट कर रहा होता है तो देखने में मजा आता है अपार्ट फ्रॉम फ्लोज जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ड्रॉबैक्स में मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि जो ट्रेलर में मासी एक्शन सीक्वेंसेस डाले गए थे लेकिन जब आप फिल्म देखने बैठते हो तो जो पहला सॉन्ग आता है मार खाएगा उसमें ही ज्यादातर एक्शन सिक्वेंस दिखाए गए हैं एक एक्शन सीक्वेंस सेकंड हाफ में भी है लेकिन जो जिस तरीके से ट्रेलर को प्रमोट किया गया था फिल्म में थोड़ा एक्शन ज्यादा होना चाहिए था सो so, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग है वक्त कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगता और यूजुअली जैसा ह्यूमर हाउसफुल की फिल्म्स में था क्रास ह्यूमर उस टाइप का ह्यूमर भी नहीं है इस फिल्म में लेकिन क्या होता है कि फिल्म अपना ट्रैक खोने लगती है सेकेंड हाफ में एक बैक स्टोरी इंट्रोड्यूस की जाती है अक्षय कुमार के लव इंटरेस्ट के लिए जो कि जैकलीन ने प्ले किया है उसके बाद अक्षय और कृति का रोमांस एंगल दिखाया गया जो कि पॉइंटलेस है फिल्म के हिसाब से अगर आप उसे रिमूव भी कर दोगे तो फिल्म पे मुझे नहीं लगता कुछ इंपैक्ट पड़ेगा जिगर ठंडा वो जब मोर ग्राउंडेड फिल्म उसमें करेक्टर्स को सेट करने में वक्त लगाया था एंड उनका स्कोप भी काफी ज्यादा था बच्चन पांडे का सेकंड हाफ जिगर ठंडा से डिफरेंट है लेकिन वो फिल्म के फेवर में काम नहीं करता है जिगर ठंडा का रन टाइम ज्यादा था लेकिन बच्चन पांडे का कम है क्योंकि ऑब्वियसली एक मसाला एंटरटेनर है लेकिन डायलॉग्स का कुछ इम्पैक्ट खास था नहीं राइटिंग भी वीक हो जाती है और नेरेटिव में भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है क्लाइमैक्स तक आते आते रीजन टन अफ सबस्टांस दैट कैन लीव यू एंटरटेन्ड फराज सामजी का डायरेक्शन पिछली फिल्म से बेटर है लेकिन देर इज अ लोट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। फॉर राइटिंग तो सेकेंड हाफ में नीचे चली ही जाती है लेकिन देर इज नो एंटरटेनमेंट टू कॉम्पेंसेट फॉर इट सो डायरेक्शन इज बिलो एवरेज ईयर परफॉर्मेंस इस बात करते हैं अक्षय कुमार का ये मासियस्ट करेक्टर है रिसेंट ईय का लेकिन इट फेल्ट वेस्टेड इन सच काइड प्रीति सेन वॉज अ डिलइट टू वॉच अर्शद वारसी है पंज त्रिपाठी जी का जो करेक्टर है उसका ज्यादा बड़ा रोल है नहीं बट ही मेक्स इट फन टू वॉच एंड जो जैकलिन का करेक्टर है उसका कुछ ज़्यादा स्कोप है नहीं फिल्म में सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो कुछ शॉर्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम है जिगर ठंडा से अगर आप कंपेयर करोगे तो लाइक लॉन्ग टेक्स जो लिए हुए हैं जो कि घर का सेटअप है इवन घर का सेटअप भी सेम है शॉर्ट्स में आई गेस यहाँ पे कुछ नोवेल्टी तो दिखाई जा सकती थी कम से कम बैकग्राउंड स्कोर इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ जिगर ठंडा एंड जैसे उस फिल्म के डायनेमिक्स के साथ सिंक हुआ था वो इस फिल्म के लिए भी होता है साउंड ट्रैक में फिल्म को काफी सही गाने मिले हुए हैं मेरी जान मेरी जान इज अब ब्यूटीफुल सॉन्ग हे हेराना भी एक काफी अच्छा सॉन्ग है एंड सारे बोलो बेवफा एंड मार खाएगा यू हैव टू जस्ट वॉच दिस सॉन्ग्स फॉर द एनर्जी ऑफ अक्षय कुमार ओवरऑल बच्चन पांडे ब्रिंग्स आउट अक्षय कुमार इन द इन मास बट फिल्म इज लेट डाउन इट्स माइट्स राइटिंग इन सेकंड हाफ माय रेटिंग फॉर फिल्म इज टू स्टार्स आउट ऑफ फाइव एंड फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगी हुई है अगर आपने फिल्म को देखा तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको फिल्म कैसी लगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो Like, share, subscribe and hit the bell icon.